जोश। हम यहाँ फेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल्स देख रहे हैं, हाउस फुल है। नाम निमिषा है, नहीं निमिषा। देखिए ऐसे भीख मांगना पड़ेगा तो इसी से मांग लेंगे। बकेट है, दे दो दे दो। बहुत एक्साइटेड हो? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 10 आर यू एक्साइटेड फॉर टेम्पेस्ट? वेरी एक्साइटेड। तो मुझे पता है मैं सुंदर लग रही हूँ, आप लोग प्रपोज वपोज मत करेगा क्योंकि मैं कर लेती हूँ। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलिए बातें करते हैं विद निमिषा। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा है, हमारे कॉलेज में चल रहा है फेस्ट। जी हाँ, मिरांडा हाउस का टेम्पेस्ट 2022। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से ये फेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार वी आर बैक विद अ बैंग। तो पूरा फेस्ट इंजॉय करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर, वॉच इट टिल द एंड। मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आता तो मैंने नैन्सी से मंगवा लिया था, तो ये आईलाइनर लगा रही हूँ। सही लगाना मधुमिता, सही लग रहा है? क्या हुआ? मुझे सांस लेना था, मैं तुम्हारे ऊपर लेती तो तुम्हें गरम गरम हवा नहीं लगती? मैं सांस रोकी हुई थी। ले ले रहे हो तो 2-3 ले ले। मैं गरम गरम हवा नहीं निकलेगी मेरी कार में? तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम नहीं होगी? मान लो मेरा पूरा मेकअप करा हुआ होता, पूरे हाथ पे तुमने पोछा सा लगा दिया। सही लगा है? अच्छा लगा है। दीपिका पावडुकोन जैसा? मधुमिता कैसी हीरोइन जैसा लग रहा है? कौन सी हीरोइन लग रही हूँ मैं? निमिषा पाठक। हाँ, वही लग रही है। खोल लो, हवा तो करो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दू? नहीं ठीक है, खोल लो धीरे धीरे। अब वो थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसे लगना चाहिए स्टाइलिश धीरे धीरे। ऊपर तो नहीं लगा? सही लग रहा है गाइस। अब राशि आ रही है, मैं आज यही करा लूँ। एक ऐसा गेम होता है ना, एक पुतले को बिठा देते हैं जिसको जो पोतना है, और मैं 50-50 रुपए लेती जा रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ। अभी तुम लोगों ने वो नहीं देखा ना, अरे मैं घुमाती हूँ लोगों को। अभी अनुकृति का प्ले होगा, मजा आ जाएगा। बस 1 साल का कोटा हो गया, इतना लाइनर लगा दिया। सही लग रहा है? यस। दो सेकंड बाद खोल। बस तो मुझे पता है मैं सुंदर लग रही हूँ, आप लोग प्रपोज वपोज मत करिएगा क्योंकि मैं कर लेती हूँ। ये मेरी दोस्त है, मैं नहीं हूँ। ये मेरी दुश्मन है। और ये जो रिकॉर्ड कर रही है मधुमिता है, ये सबसे प्यारी है। ये हमारी हाय, बताओ हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे टेम्पल्स का प्ले देखने, एरियल्स का प्ले देखने टेम्पल्स। हाय मेधा, आर यू एक्साइटेड फॉर टेम्पल्स? वेरी एक्साइटेड, उसके लास्ट मैच कर रही हैं। ऑल राइट, सेजल पीछे मुस्कुरा रही है। सेजल, इज इट योर फर्स्ट कॉलेज फेस्ट? थर्ड ईयर में आ गए और पहली बार फेस्ट अटेंड कर रहे हैं कॉलेज का। वेरी सैड। हाय सुरेखा, हाउ एक्साइटेड आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? 11.5। ओह माय गॉड, दैट्स द एनर्जी। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं हमारी जो क्लासमेट है वैष्णवी, उसका प्ले है एंड शी इज द प्रेसिडेंट फॉर ऑफ द ड्रामा सोसाइटी। तो चलिए एंजॉय करते हैं, बाय करना। कुछ बोलना चाहोगे? बहुत एक्साइटेड हो? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 10 ओह माय गॉड, दैट्स द स्पिरिट, लुकिंग फैब। तो अब एरियल्स का जो मिरांडा हाउस की इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी है उसका प्ले शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं हाउस फुल है, जनता खचाखच भरी हुई है। और आज जो ये लोग प्ले कर रहे हैं इसका नाम है 11 रीजंस टू नॉट बी इन अ प्ले। आइए कुछ देखते हैं इस प्ले से। तो करीब 40 मिनट ये प्ले चला और फिर लास्ट में सभी लोग आते हैं, प्रोडक्शन वाले, एक्टर्स, बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्ले था। सबसे पहले आप लोग मेरी प्यारी सी टोपी देखिए, जिसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, और एक काम है, देखिए ऐसे भीख मांगना पड़ेगा तो इसी से मांग लेंगे। बकेट है,
दे दो भाई, बहुत बुरा लगा, वैसे करके दे दो। और ये देखिए हमारी लड़कियों का फोटो शूट, आए हाय ओहो, बैक टू बैक फोटोज खिंचवाई हैं आज इनने। बोर हो रहे हो तुम लोग? क्या लड़कों को बुलाना था टेम्पेस्ट में? कुछ फन होना चाहिए, फन होना चाहिए था। कैसा डीजे होता तो? डीजे है ना कल, कुछ भी होता लेकिन ऐसे नहीं है, खुद को बोरिंग बहुत ज्यादा। कृतिका तुम क्या चाहती थी? बिना बात देखना, देखो मैंने अपनी नई ड्रेस खराब की है, देखो तुम देखो, देखो ये कितना तैयार होके आई है, दो घंटे इन्वेस्ट किए हैं और ये देखो क्या। मैं 15 मिनट में तैयार होके आई हूँ। यार बजेंगे गाने, थोड़ा देखो सब्र करो, थोड़ा घूमो फिरो। तो अब हम लोग निकले हैं घूमने फिरने, आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है मिरांडा हाउस के अंदर और बाहर, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए या फिर नहीं आए इसके लिए भी। आइए। हो, टिंडर ने हमारे फेस्ट को स्पॉन्सर किया है। टिंडर एक डेटिंग ऐप है, आइए सुनते हैं। ये इनका चल रहा है प्री वेडिंग शूट, यहाँ सब चलता है, बस इनकी कार्ड, शादी के कार्ड छपने वाले हैं अगले महीने। इसमें देखती हूँ। अच्छा स्नेह, स्नेह ने ऐसे खींचा, कैसी हो तुम? वैसे पीछे से एंटी नहीं आती। और शीला कैसा है तुम्हारा पति? यार दिस वाज लिट। नहीं तब तो ये सब सही स्पॉट है, ये इतना फनी था। ये स्नेह है डेपसॉक से, हम मेरी सहेली पीछे से बोलती है। हाँ तुम जानती हो, तुम ब्लॉग में आ रही हो, मेरी तारीफ में दो शब्द बोलो। तेरे ब्लॉग बहुत बेकार है, ठीक है? तुमने देखा है मेरे वीडियोस? जानती हो मुझे, सबसे ज्यादा बेकार। नाम निमिषा है। हमें कट नहीं किया जाएगा, तुम बोल दो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम? कृपा। कृपा और तुम? नंदिनी। थैंक यू सो मच। मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। ओह बिल्कुल, वही वही, चलो बढ़िया, मैं लिंक डाल दूंगी। हम यहाँ फेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल्स देख रहे हैं। निमिषा को ब्रेड्स करानी है तो उसका स्टॉल सर्च आउट कर रहे हैं। गोले गोला खाने गए थे, गोले पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, भूखे भूखे हैं हम, लिटरली फूड डिप्राइव है। लोग लड़के डिप्राइव होते हैं, हम फूड डिप्राइव है। मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ तगड़ा वाला। यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हैट्स मिल रही है। ये जो मैंने लगाई हुई है, दिस इज़ बकेट हैट, और पीछे कुछ दुकानें हैं। Nice. मेरी टोपी तेरे सर, एक मुहावरा है ना, उसकी टोपी उसके सर। तो हम लोग घूम ही रहे थे, इतने में ये लड़की कृपा दोबारा आई और कहा कि दीदी आपके साथ फोटो खिंचवाना है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार निमिषा के साथ फोटो खिंचवाने में पैसे लगेंगे, देखिए सुनिए। ये नहीं दोस्त है जिसने मुझे बिकाऊ कर दिया, ये कह रही है निमिषा के साथ 50 रुपए में फोटो। नहीं निमिषा को बोलने के लिए तो फिर निमिषा की मैनेजर हूँ मैं भी, मुझसे कॉन्टैक्ट कर 50 रुपए। मैनेजर नहीं है, हमारी बॉस है। चलो चलो फोटो खींचते। नाउ इट्स गोला टाइम। यू तो मुझे बर्फ के गोले का इतना शौक है नहीं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, लेकिन पीयर प्रेशर के कारण ये सब करना पड़ता है। और 50 रुपए वेस्ट हो गए मेरे, सही में यार जमा नहीं, मुझे ज्यादा जमा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं उषाशी? हम जा रहे हैं अनुप्रीतिका पैलेस ऑडिटोरियम में। चलो चलो, हाउसफुल है, यहीं से चलें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सबसे पहले जो लक्षिता है मिरांडा हाउस की इनेबलिंग यूनिट, वहाँ के बच्चों ने गाना गाया और बहुत प्यारा सुना। बिग मोमेंट, अनुकृति जो हमारे कॉलेज की हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी है उनका प्ले चल रहा है,
मनु भंडारी जी की स्मृति शेष ये प्ले है जो उन्होंने लिखा था। आप देखिए, एक नारीवादी प्ले है। इस सीन में बताया जा रहा है कि कैसे महिलाओं और पुरुषों की रोज़मर्रा की जीवन में अलग अलग भागीदारियाँ रहती हैं। आप लाइटिंग देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कैरेक्टर्स आप देखिए, और बिल्कुल भी माइक नहीं दिया जाता है फुल लेंथ थिएटर में। तो अब ये जो भी बोलेंगे अपनी आवाज़ से बोलेंगे। हाउसफुल है, लोग ज़मीन पे बैठे हैं, आर्म रेस्ट पे बैठे हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं धुआं वगैरह भी स्टेज पर आ रहा है। तो चलिए आपको कुछ झलक दिखाते हैं किस बारे में प्ले था, कुछ डायलॉग सुनवाते हैं। तो इस नाटक का ये वह भाग था जब जनता, जो लोग बैठे हुए थे, एकदम स्थिर हो गए थे, सोचने पर मजबूर हो गए थे कि थिएटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के परिवर्तन में, या फिर समाज को इतनी शक्ति देने के लिए वो सवाल पूछ सके। आइए कुछ और झलकियाँ देखते हैं हम। तालियों की गड़गड़ाहट सब कुछ बयां कर रही है कि प्ले कैसा था, और इस लड़की का वीडियो बना नहीं है, इसने ऐसे ही फ़ोन पकड़ के और रख दिया। ज़्यादा जानदार प्ले था, जान डाल दी थी फ्रेशर्स ने। तो आप देख सकते हैं बच्चे कैसे घुसे पड़े हैं ऑडिटोरियम में इतनी गर्मी के बावजूद, क्योंकि हमारा कॉलेज एक हेरिटेज बिल्डिंग है। तो आप देखिए दूसरा प्ले आ गया है। ओहो, ये थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला था, लेकिन एंड में ट्विस्ट था। इसमें भी लोगों ने खूब सीटियाँ वीटियाँ बजा दी और इन्जॉय किया। नंदिता, मज़ा आ रहा है बहुत। ये था ड्रामेटिक सोसाइटी का फुल लेंथ प्रोडक्शन, और कॉलेज में ना ये सब करने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज़ हमें जीनी चाहिए। तो अब बहुत कुछ और हुआ है फेस्ट में, जो आता रहेगा, जो होने वाला है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। डे वन कम्प्लीट हो चुका है, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? आज हमने बहुत प्यारे प्रोग्राम्स देखे, लाइक ऑडी में इतने अच्छे प्रोग्राम्स हुए थे। और तुम लग कितनी प्यारी रही हो यार। थैंक यू। सो दिस इज सो फन। सो व्हाट? सो व्हाट? चलो तो ये बोल दो कि वीडियो को लाइक कर दो। ओके, लाइक निमिषा चैनल, सब्सक्राइब का चैनल कीजिए, एंड बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारी बनाती है, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच, बाय।